बड़ा प्रमोशन होता है। डिनर पे लेके जाने के लिए एन दोनों लड़के हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है, आज राय का बर्थडे है। 15 इयर्स पहले आज के दिन ही मेरा प्रमोशन हुआ था एंड मुझे लगता है एक औरत के लाइफ में ये सबसे बड़ा प्रमोशन होता है व्हेन यू बिकम ए मॉम। तो देखते ही देखते राय 15 इयर्स की हो गई है। तो जैसे मैंने राय के व्लॉग में लास्ट व्लॉग में बोला था कि आज सिर्फ हम लोग घर में मिलके राय का बर्थडे बनाएंगे एंड फिर बुधवार को राय ने अपने दोस्तों को बुलाया है। तो जब से सना हम लोगों के साथ यू नो शी इज़ वर्किंग विथ अस, कोई भी पार्टी हो डेकोरेशन का पार्ट हर वक्त सना का ही रहता है एंड सना गॉट दिस ब्यूटीफुल रोजेस फॉर राय। तो चलिए इसको डाइनिंग टेबल पे सजा के रख देते हैं। बहुत ही प्यारा रोज का कलर है। सो जब भी हम लोग का बर्थडे होता है ना, एक चीज़ है जो मोस्टली मुझे लगता है सभी बंगाली घर में बनता है, दैट इज़ खीर, जिसको हम लोग पायस बोलते हैं। पर राय को ना, एक्चुअली खीर हम लोग चावल से बनाते हैं पर राय को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राय को सेवाई का खीर सबसे अच्छा लगता है एंड शी डोंट लाइक रेजन्स। तो मैं जब भी सेवाई का खीर बनाती हूँ ना, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे सिखाया था कि मैं दूध को ना बहुत गाढ़ा करती हूँ, लाइक मैं दूध को ना 50% से भी कम कर लेती हूँ एंड सेवाई तो आपको लास्ट में ऐड करना है एंड बाय द पतला वाला सेवाई, उससे ना बहुत टेस्टी होता है। तो जस्ट लुक सेवाई कितना परफेक्ट हुआ है। या मैंने खीर बना लिया, अभी मैं नहा लूँगी क्योंकि उसके बाद मुझे भगवान जी को लाइक पूजा देना है एंड मैं जो मूर्ति लाई हूँ ना, तो आज मैं क्या बोलूँगी यार, या आज मैं सब कुछ स्थापित करूँगी। एंड हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं इंडिया जाऊंगी, आई डोंट नो नवंबर में मैं जाऊंगी, देन यू नो मुझे टाइम मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ये सब मूर्ति होता है ना, ये सब जगह पे नहीं मिलता। इफ़ यू गो टू वो बड़े बड़े भगवान के मंदिर में जाओ ना, तभी मिलता है। लाइक बहुत जन पूछ रहे थे पायल तिरुपति बालाजी कहाँ से खरीदा, तो हम लोग कैम्फोर्ट गए थे ना, वो जहाँ पे बड़ा शिव मंदिर है तो वहाँ पे ही था, वहाँ से हम लोगों ने खरीदा था। एंड जैसे मैं बोल रही थी ना, लाइक अगर मुझे काली माता का मूर्ति चाहिए, फिर लक्ष्मी माता का मूर्ति चाहिए, देन लाइक मुझे कोलकाता लाइक ऐसे शॉप में नहीं मिलेगा, यू नो आपको मंदिर पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स होते हैं ना। तो देखते हैं, फिर मुझे वो संतोषी माता का भी चाहिए। मेरी मम्मी के पास ना शी हैज़ एवरीथिंग, पर मम्मी तो अभी भी पूजा करती है ना, लाइक मम्मी के पास तो लक्ष्मी माता का मूर्ति है ना, दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, थोड़ा अलग है, हम लोगों की लक्ष्मी माता के हाथ पे ना ये होता है, तो वो सब जगह पे नहीं होता है। आप देखें लाइक सब थोड़ा अलग होता है लक्ष्मी माता का मूर्ति, लाइक ये रहता है लक्ष्मी माता के हाथ में। तो ये मेरे शादी का है। तो सना डेकोरेट कर रही है अभी, इट्स गोइंग टू बी 12। तो सना ने बोला इफ एनीवन ऑफ यू आर इन न्यूयॉर्क एरिया कॉन्टेक्ट सना, सना बहुत अच्छा डेकोरेट करती है। वही मैं सना को बोल रही थी कि इंडिया में सिद्ध के बर्थडे पर यू नो हम लोगों ने बुलाया था, दे चार्ज ओनली 1500 एंड यहाँ पे यू नो मेरे बेबी शावर पे दे डिडंट डू दैट मच राइट, सिर्फ ऐसा एक दो ही बनाया था 250 या टैक्स लेके आई थिंक, सो इट वाज 300 एंड यहाँ पे है बर्थडे गर्ल। आप सबने राय को बहुत छोटा देखा है, जो लोग मेरे बहुत पुराने व्यूअर्स है, मेनी ऑफ यू हैव सीन राय। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना, दैट टाइम राय थर्ड ग्रेड पे थी, लाइक आई थिंक सो लाइक थर्ड से फोर्थ ग्रेड पे जाने वाली थी एंड जस्ट इमेजिन नाउ शी इज़ गोइंग टू 10th ग्रेड। तो अभी मैं फुल ऑन खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। कुछ कुछ मैरिनेशन था जो मैंने कल ही करके रख दिया है, पर फर्स्ट मैं सिद्ध का खाना बनाऊँगी एंड अभी ना मैं जैसे सिद्ध को खिचड़ी टाइप नहीं, पुलाव टाइप थोड़ा करती हूँ, जैसे कि आज मैंने थोड़ा चिकन भी दिया है एंड देन समटाइम्स आई ऐड लिटिल बिट ऑफ मसाला, डेफिनेटली रेड चिली अभी तक मैंने ऐड नहीं किया है। राय बोल रही है मम्मी इतना ज़्यादा मत बनाओ, लाइक हम लोग ना जब बर्थडे जब होता है हम लोग ऐसा जैसे सिद्ध के बर्थडे पर किया था ना, ऐसा सजा के देते हैं एंड कहीं ना कहीं मैंने देखा है दैट राय शी रियली लव्स ऑल दिस
ट्रेडिशनल थिंग एंड मुझे लगा राई का बर्थडे यार मैं भी थोड़ा सज लेती हूँ, तो मैंने एक ईयर रिंग पहन लिया, ये मुझे बहुत पसंद है। इसको ना हम लोग पाशा बोलते हैं, ये लाइक पुराने दिनों में ना लेडीज लोग पहनते थे, फिर इसका फैशन चला गया था, फिर अभी अभी है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर हम बीच में था। तो फर्स्ट मैं गोट करी बना रही हूँ एंड ये रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर किया है। बहुत जन आप लोग पूछ रहे थे कि पायल अमेरिका में कैसा गोट मिलता है, तो यहाँ का गोट इज रियली टेस्टी, लाइक ये ना बेबी गोट बोलते हैं, तो बहुत ही अच्छा होता है एंड स्पेशली सना ना इतना अच्छा गोट लाती है। तो सिद को अभी क्या नींद आ गया, तो सिद को मैं थोड़ा लंच खिला दूंगी ना बाबा। एंड हाँ, आप मेनी ऑफ यू आर सेइंग कि पायल माइसोर सिल्क नकली है, यार आई एम फेड अप ऑफ दिस नकली असली। अगर माइसोर सिल्क इज 50,000 तो सच्ची में मैंने आज तक कभी भी 50,000 का साड़ी नहीं खरीदा है। हाईएस्ट मैंने साड़ी खरीदा था या इज ऑफ 20,000। नेक्स्ट मैं चिली फिश बनाऊंगी, ये मैंने कल रात को ही मैरिनेट करके रख दिया था, तो इसको पहले अभी हम लोग फ्राई करेंगे। एंड दिस इज तेलापिया फिश। तो इस बार मैंने क्या किया था, फॉर द फर्स्ट टाइम ना मैंने बुचर को बोला था कि आप मुझे कट करके दो, बिकॉज वो लोग जो कट करते हैं ना दे आर प्रोफेशनल ना, इट सीम्स वो लोग का टेक्निक थोड़ा अलग होता है एंड कट के ऊपर भी ना टेस्ट थोड़ा चेंज होता है, बिकॉज शॉमिक एंड राय दोनों ही बोल रहे थे कि फिश वॉज मतलब बहुत ही टेस्टी था ये फिश। एंड चिली चिकन, चिली फिश, चिली पनीर, ये सब का मेन इन्ग्रीडियंट्स इस सॉस, पर एक सॉस है मैं जो हर वक्त यूज़ करती हूँ, दैट इज़ स्वीट एंड सावर चिली सॉस। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सिंपल पीस पुलाव बना रही हूँ। तो हम लोगों का चिली फिश ऑल्सो इज डन एंड देखने में काफ़ी टेस्टी लग रहा है। तो राय का बर्थडे रायता के बगैर कैसा कंप्लीट हो सकता है, तो रायता इज ए मस्ट फॉर हर बर्थडे, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू नो कि राय को रायता खाना बहुत ही पसंद है। एंड हम लोग ना 5 तरीके का फ्राई बनाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके यू नो ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, जस्ट फॉर राय, ऐसा राय भी और कितना ही खाएगी। तो अकेले काम करते करते काफ़ी लेट हो गया, नाउ इट इज़ 2:15 एंड ये एक ना रिवाज है जो हम लोग करते हैं बर्थडे के दिन, दिस इज़ अ रिवाज जो बहुत ही सदियों से चलता आ रहा है। तो इस बार मेरा पहले से बहुत मन था यू नो कि मैं अच्छी तरीके से उसको सजा के दूँ, तो राय अभी लहंगा पहनने गई है, उसने पहले ही बोला था मम्मी आज मैं लहंगा पहनूंगी। तो चलिए एक स्पेशल रेसिपी आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने श्रिम्प लिया है, बीच में ना मैंने कट किया है एंड देन विथ ए मीट टेंडराइजर आपको बीट करना है, तो मैंने इस तरीके से श्रिम्प को कट किया है एंड देन आई हैव टेंडराइज्ड इट। तो यहाँ पे मैंने लिया है अराउंड हाफ बंच ऑफ कोरिएंडर लीव्स, इफ़ यू वांट मिंट थोड़ा मिंट भी ले सकते हैं, आई हैव टेकन अराउंड 10 करी लीव्स। फिर मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली लिया है, दिस इज़ एज़ पर योर टेस्ट, थोड़ा गार्लिक एंड हाफ लेमन। तो चलिए अभी इस ब्लेंडर में मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है, डोंट ऐड वाटर, ऐड ऑयल इन इट एंड इसको अभी हम लोग ब्लेंड करेंगे। तो इससे ना अभी श्रिम्प को हम लोग मैरिनेट करके रखेंगे, ये मैंने कल ही किया था, तो दिस वॉज मैरिनेटेड फॉर अराउंड 24 आवर्स एंड अभी इससे हम लोग बनाएंगे श्रिम्प बैटर फ्राई। सो इसका बैटर ही मेन होगा एंड यहाँ पे सिर्फ आपको मैदा लेना है, थोड़ा सॉल्ट ऐड करूँगी, देन ऐड लिटिल बिट ऑफ गार्लिक पाउडर इफ़ यू हैव, नहीं है तो फिर होगा, एंड ब्लैक पेपर पाउडर। फिर इसमें जो पानी चाहिए ना, सी आपको आइस लाइक कोल्ड चिल वाटर चाहिए, बिल्कुल चिल वाटर चाहिए, तो मैंने फ्रिज में रख दिया था ये पानी। एंड हाँ, दिस इज़ द मेन इंग्रेडिएंट, यू नीड ए लॉट ऑफ बटर, तो सासू माँ ने बहुत बटर दिया था तो मैं वही अंदाज से दे रही हूँ। देन आपको देना है ठंडा ठंडा पानी एंड बहुत ही थिक पेस्ट होगा, तो देख रहे बहुत ही थिक पेस्ट होगा एंड ठंडा होगा। एंड ये मेरी मदर इन लॉ का रेसिपी है, सो इंस्टेड ऑफ श्रिम्प ना आप भेटकी माछ नहीं तो तेलापिया फिश से भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से फिश को आपको डिप करना है एंड जो एक्सेस होगा ना वो नीचे लाइक गिर जाएगा। तो चलिए और एक बार मैं आप सबको दिखाती हूँ,
सी आपको फिश को डिप करना है एंड देन इन ऑयल यू हैव टू डीप फ्राई इट। अगर फ्राई करते करते ना सपोज इफ यू फील कि जो बैटर है ना वो ठंडा हो गया है, टेक वन आइस क्यूब उसमें दे दीजिए, छोटा आइस क्यूब, एंड फिर यू नो अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। देन अगेन इट विल बी ठंडा, लाइक ठंडा होना ही चाहिए। एंड हाँ, डेफिनेटली यू नीड बटर ऑल्सो। जस्ट रैक्स को देखो, तो जब तक राई रेडी होती है मैं सोच रही हूँ कि द केक दैट आई गॉट वो मैं अच्छी तरीके से सजा लेती हूँ। एंड ये रहा राई का गिफ्ट दिस ईयर, इट इज़ टोटली अ सरप्राइज। राई ने बोला था मम्मी तुम्हें जो पसंद है तुम देना। सो दिस इज द फाइनल डेकोरेशन एंड चलिए लेट्स पुट द केक। I could sit around and wait all day. तो ये रहा मटन करी जो देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। देन ये मैंने पीस पुलाव बनाया, इतना कुछ झमेला और नहीं किया। देन ये पांच तरीके का फ्राई, क्योंकि इसमें टर्मरिक था ना तो ये हाँ इसमें भी हल्दी हल्दी हो गया है। दिस इज सागू का पापड़ जो राय को भी बहुत पसंद है। देन दिस इज चटनी, ये रहा चिली फिश। एंड बर्थडे मुझे लगता है बच्चे हो या बड़े हम सब के लिए बहुत स्पेशल होता है। एंड लास्ट ईयर राय के बर्थडे पे सीट कितना छोटा था। एंड फैमिली पिक्चर टाइम एंड रैक्स का नजर इज ओनली ऑन द केक। रैक्स इज लाइक ये सब छोड़ो मुझे केक दो। एंड देखते ही देखते यार बच्चे लोग कितना बड़े हो जाते हैं। अनदर 3 years देन राय कॉलेज चली जाएगी। Yeah, have it. You have a lot of pounds. It's good, right? It is. Come on. Have. Yeah, good boy. And Rai ke birthday ka cake, ek chhota tukra aap sabko. And aap sab ki taraf se maine Rai ko bhi khila diya hai because you all have seen Rai from so small. Rai ko bade hote hue main bolungi aap sab ne dekha hai. And dekhiye abhi kitni badi ho gayi hai. एंड कितनी लंबी भी हो गई है मुझसे। एंड मामा दिस इज योर गिफ्ट, गिफ्ट दिस इज द कार्ड। अनबॉक्सिंग सी यू लाइक इट और नॉट बिकॉज आई थिंक सो नाउ यू नीड अ वॉच। तो चलिए अभी मैं थाली सजा देती हूँ। तो हम लोग ना बच्चे को आशीर्वाद करते हैं एंड फिर उसको खीर खिलाते हैं। लाइक ये रिवाज है जो मैं बोल रही हूँ ना सदियों से ऐसा चलता आ रहा है। एंड तो अभी मैं राय को थोड़ा खीर खिलाऊंगी। हाय फ्रेंड्स, तो आज बुधवार हो गया है एंड थैंक यू सो मच फॉर विशिंग राय। तो आज फिर से राय का बर्थडे का सेलिब्रेशन है विच शी विल बी सेलिब्रेटिंग विथ हर फ्रेंड्स। एक्चुअली राय के ना फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है बट क्योंकि आज समर टाइम अभी लाइक समर वेकेशन चल रहा है ना तो सभी लोग बाहर घूमने जाते हैं तो आज सिर्फ 6 फ्रेंड्स ही आएंगे बिकॉज
और बाकी के फ्रेंड्स दे आर आउट ऑफ द टाउन, तो वही बच्चे लोग आएंगे, विल कट द केक, वो लोग अपना अपना मस्ती करेंगे एंड देन फिर शाम को हम लोग यहाँ के हम लोग के विलेज के एक रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे। एंड मैंने कुछ फ्रेंड्स की मम्मियों को भी बुलाया है, हम लोग का भी थोड़ा चिल आउट टाइम हो जाएगा क्योंकि शॉमिक इज लाइक यू नो मैं नहीं जाऊँगा, फुल सिर्फ लड़की लोग हैं, तो हम लोग मम्मी लोग जाएंगे एंड सना भी जाएगी। तो राय तैयार हो चुकी है एंड राय ने आज ये कुर्ती पहना है, इसके नीचे में यू नो जस्ट दिस आर सिंपल कुर्तीज एंड आई थिंक सो दिस वन वाज अराउंड 700 या 800 रुपीस था क्योंकि बहुत कंफर्टेबल है ना, ये कोलकाता का जो कपड़ा होता है ना बहुत अच्छा होता है, दिस ऑल वी परचेज फ्रॉम कोलकाता ओनली सी अच्छा है। So, ये रहा राय के बर्थडे का मेन केक एंड राय के एक्चुअली दो फ्रेंड्स आना अभी भी बाकी है। तो राय की एक फ्रेंड हम लोगों के साथ नहीं जाएगी बिकॉज यू नो वो वेगन है एंड इट सीन्स वेगन लोग ना बहुत कुछ नहीं खाते, जैसे कि केक तो उसने खाया ही नहीं तो वो अपने घर लेके चली गई केक। तो अभी सना भी जा रही है, आई थॉट शी विल बी देयर फॉर डिनर बट सना का बेटा बहुत रो रहा है। वी हैव अ वाइनी गर्ल बेबी। Yeah, well, not baby, a big boy. नहीं एक्चुअली मैंने देखा है बेटे लोग, एक्चुअली लड़के लोग ना बहुत ही इनोसेंट होते हैं इस स्टेज में, इज ओनली 5 इयर्स ओल्ड है। Six, okay, six. Then also, you know. तो सना जा रही है। I thought you will stay for dinner, सना. You are going. I thought so too because I wanted some tacos. Okay. Tacos is good. Okay. Then maybe some other day, सना को dinner खिला देंगे. Saturday. Yeah, Saturday. Okay. Back to your birthday? My birthday is or क्या important? It's Saturday, right? मैं तैयार हूँ सबको डिनर पे लेके जाने के लिए एंड दोनों लड़के घर पे रहेंगे। मैंने शौमिक को बोला चलो शौमिक ले, नहीं नहीं ना, तो सी देन शौमिक घर पे रहेंगे, अभी शौमिक का ड्यूटी है विद सिद्ध। तो चलिए, तो हम लोग एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट पे गए थे एंड हम लोगों ने जो टेबल लिया था वो लड़कियों के टेबल से थोड़ा दूर लिया था बिकॉज वी हैड अवर चिल टाइम। तो बर्थडे गर्ल ने एंजॉय किया, राय वॉज रियली हैप्पी, और हम लोगों को क्या चाहिए, डेफिनेटली राय को विश कीजिएगा एंड चलिए उसके साथ ये व्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय।